सो हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज ना बात करेंगे ड्रैगन ऑप से कैसे आप वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। जैसे कि आपने फर्स्ट में क्लिप देखा, उस क्लिप में जैसे जैसे आपको हेडशॉट यहाँ पे मैंने मारे हैं, वैसे वैसे आपको कैसे हेडशॉट मारना है, सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एंड इससे गाइस आप आराम से वन टैप हेडशॉट सीख जाओगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं इसमें हर एक टिप्स के बारे में यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपको कैसे कैसे आप यहाँ पे मार सकते हो। एंड गाइस अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना एंड पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस यहां पे सबसे पहले आपको गाइस यहां पे ड्रैगन ऑफ ले लेना है एंड गाइस आपको पहले ट्रेनिंग मोड के अंदर प्रैक्टिस करना है। जब आपका ट्रेनिंग मोड में अच्छा एकदम हो जाएगा उसके बाद ही जाके आप दूसरे मोड्स पे ट्राई करो, ठीक है। पहले ट्रेनिंग मोड से आप खेलना स्टार्ट करो, ठीक है। सो गाइस आपको ट्रेनिंग मोड पे जाना होगा एंड गाइस मैं आपको एकदम डिटेल्स में समझा रहा हूं कैसे कैसे ये काम करता है। सो गाइस मैं यहाँ पे आपको लाइव एग्जांपल देके बता रहा हूँ। गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए एक स्टेबिलिटी। सो गाइस आपको एक जगह में स्टेबल होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो बंदे को मैंने नोटिस किया कि बंदा मेरे सामने है और मैंने स्टेबल हो गया एंड गाइस उसके बाद मेरे को बंदा जहाँ पे उधर मैंने सेम पोजिशन पे थोड़ा सा जस्ट ट्रैक कर दिया। आप लोग यहाँ पे फायर पैटर्न को अच्छे से फोकस करो, जस्ट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जस्ट मैंने ट्रैक किया और ये एकदम से हेडशॉट लग जाता है। सो गाइस ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल पे। देखिए इस जगह में क्या है, एनिमी स्टेबल नहीं, एनिमी गाइस यहाँ पे जंप कर रहा है। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को खुद को स्टेबल होना पड़ेगा एंड उसके बाद एनिमी जिस तरीके से जिस तरफ से जंप कर रहा है ना उसी तरफ मेरे का जो गन मतलब फायर बटन है उसको उस तरफ से ड्रैग करना है, हल्के से ड्रैग करना है एंड ड्रैग करके छोड़ देना है, ठीक है। ज़्यादा ड्रैग नहीं करना है ब्रो, फिर ऊपर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर एम चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस हल्का सा आपको ड्रैग करना है, जिस तरफ से एनिमी जंप कर रहा है या फिर मूव कर रहा है उसी तरफ से आपको ड्रैग करना है एंड वन शॉट उसको पक्का से पक्का लग जाएगा। सो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मैं गाइस शॉर्ट रेंज में भी मार के दिखाऊंगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरे सामने गाइस एनिमी होगा एंड एनिमी को गाइस देख सकते हो मैं जस्ट थोड़ा सा जंप लिया फिर स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के बाद गाइस देख सकते हो एनिमी की तरफ जस्ट मैंने वो जो फायर बटन है उसको थोड़ा सा ड्रैग कर दिया, जहाँ पे एनिमी है उस एंगल पे मैंने ड्रैग किया। उसके बाद मैं सीधा थोड़ा जाता हूँ एंड मेरे को सामने ही एकदम एनिमी गिर जाता है। सो गाइस उसको भी हेडशॉट पड़ता है एंड गाइस कैसे हेडशॉट पड़ता है आप लोग यहाँ पे देखो। गाइस थोड़ा सा आप लोग एम के ऊपर फोकस करना, एम एंड फायर बटन के ऊपर फोकस करना। मैं थोड़ा सा जंप लिया उसके बाद देखो स्टेबल हुआ। स्टेबल होने के बाद जहाँ पे जिस तरीके से एनिमी गाइस जिस तरफ से एनिमी ने जंप किया मैं उसी तरह से उसको थोड़ा सा ड्रैग कर दिया एंड उसको सीधा हेडशॉट पड़ गया। सो गाइस आपको सीधा सा ये ध्यान रखना है कि आपको एम और अपने फायर बटन के ऊपर फोकस करना है, उससे पहले आपको थोड़ा स्टेबल होना है। स्टेबल होने के बाद आपको एम जो है वो एनिमी के ऊपर रखना है। एनिमी के ऊपर एम रखते ही आपको जो है ड्रैग कर देना थोड़ा सा जस्ट जो फायर बटन है उसको थोड़ा सा उस तरफ से ड्रैग कर देना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। अब गाइस आप लोग बोलोगे गाइस आपका सेंसिटिविटी क्या है, मैंने सेंसिटिविटी सब 100 में रखा है, जनरल सिर्फ 96 में है, बाकी सब कुछ 100 में है। अभी आप बोलोगे गाइस आप डीपीआई यूज़ करते हो, नहीं भाई मैं एकदम भी डीपीआई यूज़ नहीं करता हूँ और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता कि आप लोग डीपीआई यूज़ करो क्योंकि उससे फ़ोन ख़राब हो जाता है, मेरा ही खुद का हुआ है। सो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस डीपीआई कोई यूज़ मत करना एंड डीपीआई से फ़र्क पड़ता है बट बिना डीपीआई के ही देखो मैं हेडशॉट मार रहा हूँ ना, आप लोग भी ऐसे मार सकते हो, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइस इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि आप आज करोगे तो आज ही हो जाएगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा बहुत इजीली। सो गाइस इसके बाद बात है हमारे सेंसिटिविटी के ऊपर। गाइस यहां पे सेंसिटिविटी देख सकते हो मेरा जनरल 97 है, बाकी सब 100 है, जो 2x 4x एंड रेड डॉट है वो सब 100 है। उसके बाद गाइस सबसे मेन बात है पे गाइस कस्टम एचयूडी के अंदर फायर बटन का साइज कितना लगेगा। गाइस फायर बटन का साइज आप मेरा देखो 54% है, ऐसे आप लोग गाइस यहां पे 50 से लेके 58% तक रख सकते हो। गाइस उसके अंदर आप रखो तो बेटर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां पे मीडियम साइज सबसे बेटर होता है। गाइस अगर आप छोटा कर लोगे सो गाइस वहां पे ड्रैग बहुत ज्यादा पड़ जाएगा तो गाइस यहां पे दिक्कत हो सकते हैं आपको। एंड गाइस अगर आप जो है बहुत बड़ा कर लोगे तो फिर तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा अगर फायर बटन हो जाएगा तो फिर ड्रैग ठीक से नहीं पड़ेगा। सो गाइस आप लोग ये साइज रख सकते हो, आपको मतलब बेटर अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए फिर बेटर आपको अपना जो है ड्रैग अच्छा मारना है तो गाइस आप ये सेंसिटिविटी और ये जो है यहाँ पे कस्टम एचयूडी के अंदर ये जो साइज है ये आप रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। एंड गाइस अब हम बढ़ते हैं गाइस इसके बाद जो है आपको पूरा एक बार स्टेप बाय स्टेप एक बार बता देते हैं लास्ट में कि आपको करना क्या है। सो गाइस देखो फर्स्ट में जो हम लोग बात करते हैं गाइस यहाँ पे एक नंबर वन है गाइस यहाँ पे स्टेबिलिटी। सो गाइस स्टेबिलिटी आपको करना पड़ेगा, आप जब ड्रैग मारने जाओगे तो गाइस उससे पहले आपको स्टेबल होना पड़ेगा। सो गाइस फर्स्ट है स्टेबिलिटी, उसके बाद है गाइस यहाँ पे एम ऑन एनिमी। सो गाइस एनिमी के ऊपर आपको एम रखना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे अच्छे से ड्रैग मारना चाहते हो तो एनिमी के ऊपर एम रहना पड़ेगा, तो एनिमी के ऊपर आपको एम रखना है एंड उसके बाद आपको ड्रैग करना है।
सो गाइस, ड्रैग करने के टाइम आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर एनिमी स्टेबल है तो आप सीधा ड्रैग करो, एंड अगर एनिमी आपके लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो लेफ्ट साइड में ड्रैग करो, अगर एनिमी आपका राइट साइड में मूव कर रहा है तो आप राइट साइड में ड्रैग करो। एनिमी जिस तरफ से मूव करेगा उसी तरफ आपको ड्रैग मारना है। एनिमी अगर सीधा खड़ा है तो सीधा आपको ड्रैग मारना है। सो गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सब चीज़ को ध्यान रखते हो तो आप बड़े ही आसानी से आप ड्रैगन ऑफ के साथ वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। एंड अगर इस आपको गाइस और भी किसी गन्स का वन टैप हेडशॉट या फिर कोई भी ट्रिक्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूंगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड गाइस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करो, और गाइस कमेंट करो कि कैसा लगा वीडियो। एंड मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।